press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. निका, मैं समझता हूँ आपने बहुत दुरुस्त कहा कि दोनों की सोच और दोनों के मकासद कई मैदानों में बिल्कुल एक जैसे हैं। देखिए, हिंदुस्तान और इसराइल की जो खास तौर पर सिक्योरिटी और डिफेंस में जो तावन है, ये तो बहुत पुराना है। कई चीज़ें जाहिर होती हैं, कई जाहिर नहीं होती, लेकिन अब चंद एक चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से ये तावन बहुत मजीद गहरा हो गया है। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान ने तमाम तकल्लुफ छोड़कर गैर जानबदारी का खुलकर अमेरिका के साथ जो अपनी एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो उसको उसमें शिरकत कर ली है, और उस अलायंस में अमेरिका, इजराइल, इंडिया, ये तीनों इस अलायंस का एक हिस्सा है। दूसरी बड़ी बात देखें, इसमें बदकिस्मती है कि तमाम अरब ममालिक जो कि फलस्तीन की हिमायत करते थे, अब वो सारे इसराइल को अपना सबसे करीबी दोस्त समझते हैं और ईरान को अपना दुश्मन समझते हैं। लिहाजा हिंदुस्तान के लिए ये बड़ा अच्छा मौका था कि ऐसे मौके पर जब कोई अरब मुल्क इतराज़ नहीं करेगा, वो इसराइल के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो आपने बात की कि आप देखें ना, सदर ट्रंप भी बात करते हैं रेडिकल इस्लाम, ओबामा बात नहीं करता था, यूरोप बात नहीं करता। देखिए, इन दिनों मुसलमानों पर ज़्यादा हमले हुए हैं, उसको तो कोई आदमी ये नहीं कहता ये टेररिज्म है, लेकिन अब जो अमेरिका में, इसराइल में, इंडिया में बात हो रही है वो ये है कि हमने इस्लामिक रेडिकलिज्म का सामना करना है। तो जो अब ये ताल्लुकात करीबी हुए हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि इसराइल चाहता है कि उस खित्ते में जहां पर अभी उसका दबाव है वहां पर वो मुसलमानों पे कंट्रोल कर सके। हिंदुस्तान को न सिर्फ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी शिकायत है, बल्कि हिंदुस्तान को अपने अंदरूनी मुसलमानों से भी डील करने के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, और खासतौर कश्मीर में जो इस वक्त आज़ादी की तहरीक चल रही है, वो इसराइल ना सिर्फ जो इसराइल से वो ड्रोन और दूसरी टेक्नोलॉजी लेंगे, वो दरअसल उस सोच को अपनाना चाहते हैं जिसको अपनाते हुए इसराइल ने फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक को अभी तक बड़ी, जैसे कहते हैं, जुल्म के साथ कंट्रोल किया हुआ।